अजमेर संभाग के सबसे बड़े जनरल अस्पताल में आज से ओपीडी इमरजेंसी के साथ ही तमाम चिकित्सा व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। कोविड 19 महामारी के चलते अस्पताल को अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके कारण 2 महीने तक अजमेर संभाग की जनता को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कोरोना वायरस के कम होते मामलों को लेकर आम मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जनरल अस्पताल में तमाम चिकित्सा सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। वहीं कोविड 19 से संबंधित रोगियों को संक्रमित वार्ड के साथ ही आयुर्वेदिक केयर सेंटर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं यूरोलॉजी को भी कोविड के लिए रखा जाएगा। कोविड का प्रकोप जैसे ही शुरू हुआ था, तो उस प्रकोप को देखते हुए हमने जो JLN हॉस्पिटल का मेन परिसर था, उसको हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन चूंकि गर्मी बढ़ रही है, मरीज भी बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे यहाँ मरीजों की आवक बढ़ी है, तो इसलिए अब हमें जो हमारा JLN का मेन हॉस्पिटल है, उसको वापस से पुनः उसके पुराने रूप में उसको लाना पड़ा। तो हमने आज पुनः वापस से सारे आउटडोर्स, सारे इनडोर्स हॉस्पिटल को पूरी तरह से सैनिटाइज़ कराने के पश्चात वहाँ चालू कर दिए हैं। और ट्रांजिशन हमारा चल रहा है, जहाँ हमारा यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी में जो हमारे पेशेंट्स थे, उनको हम वापस मेन बिल्डिंग में शिफ्ट करके हमारे नॉर्मल कार्रवाई चालू कर रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज व परिजनों के साथ स्टाफ की आवाजाही होगी। ऐसे में कोविड संक्रमण ना फैले, इसके लिए सभी द्वार पर स्क्रीनिंग मशीनों के साथ गार्ड तैनात किया जाएगा। वहीं आने जाने वालों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं तमाम सुरक्षा पहलुओं के साथ तैयारियां की जा रही हैं। सर, बड़ी संख्या में मरीज और स्टाफ आ रहा है, ऐसे में 4 गेट हैं, स्क्रीनिंग वगैरह इसकी कोई व्यवस्था होगी? नहीं, इसमें अब हम जो करेंगे, एक तो हम हॉस्पिटल में एंट्री के गेट्स हम लिमिट करेंगे। हर गेट पे हमारा गार्ड सैनिटाइजर के साथ रहेगा और एक थर्मामीटर IRT उसके साथ रहेगा। हर पेशेंट को स्क्रीन करके ही आने दिया जाएगा। जो स्क्रीन में ऐसा लगेगा कि फीवर है या कोई भी सस्पिशन लगेगा, तो उसको नॉर्मल हॉस्पिटल में आने के बजाय ILA OPD की तरफ भेजा जाएगा और वहाँ उसको स्क्रीन किया जाएगा।